रविवार को उरवा कस्बे में भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज करके सिर फोड़ने के मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल सहित दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया, तो वहीं थाना प्रभारी को अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही खजनी थाने पर एसएसआई पद पर तैनात दुर्गेश सिंह को उरवा बाजार थाने का कार्यभार सौंपा। आपको बता दें कि सोमवार को भाजपा नेता गौरीशंकर उर्फ टिंकू मिश्रा को एसओ उरवा और सिपाही के खिलाफ सीओ गोला को तहरीर दिया था और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उधर घटना की सूचना पर भाजपा सांसद कमलेश पासवान, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी सहित अन्य लोगों ने गौरीशंकर मिश्रा से मुलाकात की। घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी ने बात की। वहीं सीओ गोला ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जा रही है, 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। गौरतलब है कि रविवार को पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के साथ भाजपा नेता गौरीशंकर मिश्र उर्फ डिंकू मंडल अध्यक्ष अमित चंद्र पांडे सहित कई लोग राहत सामग्री बांटने निकले थे। इस दौरान उरवा चौराहे पर एक ओवरलोडेड ट्रक सड़क पर धंसा हुआ था। ट्रक की वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा था। कस्बे के व्यापारी और अन्य लोग ओवरलोड ट्रकों के गुजरने का विरोध करने लगे। इसकी सूचना अमित चंद्र पांडे, नीरज दुबे ने एसओ उरवा को दी थी। आरोप है कि एसओ उरवा पहुंचते ही भाजपा नेताओं को अपशब्द कहने लगे, लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। वहीं एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मामले की जांच के बाद तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल सहित दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया, तो वहीं थाना प्रभारी को अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। क्या भेजे नहीं यार, क्या अभी वीडियो सब भेजते हैं। इस संबंध में जैसा कि सांसद जी ने खुद एसएसपी साहब से बात की है, आज तक का उन्होंने समय मांगा है जांच करके, अब तहरीर मुझे डिंकू मिश्रा जी की तरफ से मिली हुई है। इस तहरीर के आधार पर मैं जांच रिपोर्ट एसएसपी साहब को भेजूंगा, जो भी कार्रवाई करनी है एसएसपी साहब के द्वारा होगी मैं उनको रिपोर्ट दूंगा अभी, ठीक है, शाम तक। अभी जाँच में जो भी जाँच में जिसको भी चोटें लगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी एसओ हो या सिपाही हो या कोई एसआई हो, जांच में दोषी होंगे एसएसपी साहब को रिपोर्ट जाएगी तो बिल्कुल होगी, जो भी कार्रवाई होनी होगी होगी, एसओ या कोई सिपाही कोई अलग थोड़ी ना है, दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आम पब्लिक के सामने, ठीक है जी सर।